तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं हमारा पाठ दो। बच्चों आज हम पाठ दो जिसका नाम है सच्चा हीरा, उसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा कि दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा बच्चों, कि मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है, वो भीम जैसा बलवान भी है। तो उसने अपने बेटे की तारीफ कैसे की कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अगला पर्सन बच्चों, पहली स्त्री ने अपने बेटे की क्या विशेषता बताई कि पहली स्त्री ने क्या बोला था अपने बेटे के बारे में, कैसे उसकी प्रशंसा की थी? तो बच्चों इसका उत्तर है, पहली स्त्री ने बताया कि उसके बेटे का कंठ बहुत सुरीला है या वो बहुत मधुर गाता है। तो अब आगे बच्चों तीसरा प्रश्न है, तीसरी स्त्री के बेटे में क्या गुण था, क्या बताया था उसने कि वह जो कुछ भी पढ़ता है उसे एकदम कंठस्थ हो जाता है, मतलब एक बार में ही उसे वो चीज़ याद हो जाती है। चौथी स्त्री का बेटा देखने में कैसा लग रहा था? चौथी स्त्री का बेटा बच्चों बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था दिखने में, ना तो वो भीम जैसा बलवान था, ना वो कोई सुरीला गीत गा रहा था, ना उसको कुछ कंठस्थ याद था, तो वो बच्चों एकदम सीधा साधा लग रहा था। और आखिरी प्रश्न है, बूढ़ी महिला ने किसके बेटे को सच्चा हीरा बताया और क्यों बताया उसको सच्चा हीरा? तो बच्चों बूढ़ी महिला ने एक चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया था, क्योंकि उसी ने अपनी माँ की मदद की, बाकियों ने नहीं की। उसने अपनी माँ की मदद की, घड़ा लिया और उसको घर तक ले गया, जबकि तीनों स्त्रियों के बच्चों ने, बेटों ने उनकी मदद नहीं की। इसलिए बूढ़ी महिला ने उसको ही सच्चा हीरा बताया कि उसके अंदर ये सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी ये। अब बच्चों आगे करते हैं, किसने किससे कहा, इसमें क्या करना है, एक वाक्य दिया गया है बच्चों, हमें देख के बताना है कि ये वाक्य किसने बोला था और किसको बोला था, किसको बताया था। तो पहला वाक्य है, मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली और साहसी है। तो बच्चों हमने ऊपर प्रश्न उत्तर में भी किया है कि किसने अपने बेटे को शक्तिशाली बताया था, दूसरी महिला ने। किनको बताया था, तीनों स्त्रियों को, क्योंकि चार स्त्रियां चार महिलाएं बातें कर रही थी, तो उसने तीनों महिलाओं या स्त्रियों को बोला था। देखती क्या हो, सच्चा हीरा यही है। अब ये बात किसने बोली थी, बूढ़ी महिला ने बोली थी। किसको बोली थी, तीनों स्त्रियों को, कि जब उसका बेटा उससे घड़ा लेकर चला गया तो तीनों स्त्रियां देखती रह गई, तब बूढ़ी महिला ने बोला था कि क्या देख रही हो, सच्चा हीरा तो यही है, क्योंकि इसने अपनी माँ की मदद की है। अब आगे, बहन यही मेरा बेटा है, ये बात किसने बोली थी, चौथी स्त्री ने। किनको बोली थी, ये बात भी उसने तीनों स्त्रियों को ही बोली थी, कि जब उसका बेटा सामने से आया तो उसने बोला कि बहन मेरा बेटा ये है। अब आगे, माँ लाओ मैं ये घड़ा घर पहुंचा दूं, अब ये बात किसने बोली, चौथी स्त्री के बेटे ने बोली थी, और किसको बोली थी, अपनी माँ को बोला था। और आखिरी, तुमने सुना उसका कंठ कितना मधुर है, ये बात किसने बोली, पहली स्त्रियों ने बाकी तीन स्त्रियों से अपने बच्चे के बारे में बोली थी। तो बच्चों ये आज का काम था आपका, आपको ये अपनी किताब में ऐसे ही करना है और इसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।